दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल फॉर एवर में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए जॉब्स की अपडेट। साथ में ही हम बात करेंगे जो आने वाली भर्तियां हैं उनके ऊपर। तो दोस्तों आज की अपडेट शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाला बटन जरूर प्रेस करें। दोस्तों सबसे पहले जो बात आती है NTT की भर्ती को लेकर, यहाँ पर क्या है कि NTT भर्ती में अब एक बात और निकल के आ रही है कि यहाँ पर JBT वाले भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि क्या है कि राज्य सरकार ने इसका जो ब्यौरा था वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उससे, जो इंस्टीट्यूट थे जहाँ से NTT की कोर्स होते थे या NTT के कैंडिडेट थे उनका पूरा ब्यौरा मांगा था, बट उनको ये मिल नहीं पाया है। और अब क्या है इसमें ये JBT को शामिल करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें क्या था कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को NTT भर्ती के लिए चार ऑप्शन दिए थे, इसमें से एक JBT को भर्ती में शामिल करने का, दूसरा था आंगनबाड़ी वर्करों को प्री नर्सरी पढ़ाने के लिए का जिम्मा, या फिर NTT में डिप्लोमा कर चुके बेरोजगारों को की लिखित व बैच वाइज भर्ती करने का ऑप्शन केंद्र सरकार की ओर से दिया गया था। केंद्र सरकार ने हिमाचल को NTT डिप्लोमा, JBT, आंगनबाड़ी तीनों कैटेगरी को मिलाकर इन पदों को भरने का भी सुझाव हिमाचल को दिया है। शिक्षा विभाग के पास अब NTT कर चुके अभ्यर्थियों का बायोडाटा नहीं है। इसके साथ ही अभी तक NTT भर्ती के RNP रूल का भी रूल भी तैयार नहीं हो पाए हैं। केंद्र सरकार से मांगी गई NTT संबंधी जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। इसमें क्या है कि अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने जो है केंद्र सरकार से जो NTT के जो संस्थान थे उनके उनके बारे में जानकारी मांगी थी, बट इनके पास अभी ये जानकारी नहीं पहुंची है। तो तब तक इस भर्ती के लिए अभी भी ये भर्ती पेचों में फंसी हुई है। देखते हैं अब इसमें क्या आगे होगा। दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की। तो जी दोस्तों जो हमारे पास अगली अपडेट है वह नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड से। यहाँ पे क्या है, ये जो NTPC कोल डैम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के अंडर चला हुआ है प्रोग्राम। इसमें क्या है, फैकल्टी के जो पदों हेतु क्या है आवेदन मांगे गए हैं, और इसके लिए क्या है, ये फैकल्टी जो रहने वाले हैं ये हमारे पास पहला फैकल्टी रहेगा कंप्यूटर का, कंप्यूटर IT का। इसमें क्या है, BTech, MSc IT, MCA, BCA और DCA और ओ लेवल के जो या स्किल इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में मांगी हुई है। दूसरा दोस्तों हमारे पास इसमें वैकेंसी है ड्रेस मेकिंग की एंड कटिंग टेलरिंग या फैब्रिकेशन प्रोडक्ट्स की। इसमें क्या है, CTI आपकी होनी चाहिए या BSc डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग में या कटिंग टेलरिंग में होनी चाहिए, या तो आपको नॉलेज होनी चाहिए एम्ब्रॉयडरी, बैग मेकिंग, कॉजन मेकिंग की। दोस्तों तीसरी जो हमारे पास इसमें वैकेंसी है वो है सॉइल मिल्क वाटर टेस्टिंग एक्सपर्ट की, और इसमें क्या है, MSc, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर या माइक्रोबायोलॉजी में होनी चाहिए। दोस्तों इसमें क्या है, जो सैलरी मिलेगी 7,000 से 15,000 रुपये मिलेगी। मिनिमम आपके पास 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें क्या है, जो इसकी सिलेक्शन है उसकी सिलेक्शन इंटरव्यू के थ्रू होगी। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं, और उनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लेके जाने होंगे। और इसकी जो इंटरव्यू होगी वो आपकी NIC ट्रेनिंग सेंटर रामनगर मंडी में होगी। तो इनकी अंडर प्रोग्राम चला हुआ है, और इसकी जो इंटरव्यू की डेट दी गई है 25 से लेकर 10 मई तक आप कभी भी जाके भाग ले सकते हैं। टाइमिंग रहेगी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। अगर आपको अपनी इंटरव्यू बुक करनी है, स्लॉट बुक करना है, इसके लिए आपको नीचे नंबर दिया गया है, इन पे जाके संपर्क करना है कि हम इस डेट को इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। जो भी कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो जो ये योग्यताएं रखता है या जॉब टीचिंग की जॉब करना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो जाके भाग ले सकता है, क्योंकि ये 4 टर्म कोर्स ही चलते हैं इनके और बहुत अच्छे इनकी ये बहुत दिनों से चली हुई है। तो दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की। तो दोस्तों जो हमारे पास अगली अपडेट है वो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उन्ना से। यहाँ पे क्या है कि सिस इंडिया लिमिटेड में भरे जाएंगे सुरक्षाकर्मी व सुपरवाइजर के 80 पद। इसके लिए क्या है कि जो जिला रोजगार पंजीकरण कार्यालय अधिकारी अनीता गौतम जी है उन्होंने बताया कि इसके लिए 22 और 23 अप्रैल को साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10:30 बजे और जगह का नाम रहेगा जिला रोजगार कार्यालय उन्ना में। इन पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो 10वीं से पास रखी गई है, और आयु सीमा 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। और इसमें जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको 12,500 से 16,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य सुविधाएं ESI, EPF वगैरह की सुविधाएं वो भी कंपनी को देगी। तो जो भी कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट सिक्योरिटी या गार्ड या सुपरवाइजर की जॉब करना चाहता है उसके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो जाके 22-23 तारीख को 10:30 बजे रोजगार कार्यालय उन्ना में इंटरव्यू में भाग ले सकता है। दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की। तो जी दोस्तों जो हमारे पास अगली और लास्ट अपडेट है वो है हमारे पास रोजगार मेले की है, और ये जो रोजगार मेला है हिमाचल प्रदेश के प्रदेश में परौर में
जी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगने वाला है। और ये जो मेला होगा ये होगा आपका प्रौर जो मेला ग्राउंड है उसमें 26 तारीख को लगने वाला है, 26/4/2022 को। और इसका जो जो नज़दीक की अगर किसी को पता नहीं है कि मेला ग्राउंड कहाँ है तो वो नज़दीक नज़दीक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के पास ही मेला ग्राउंड है। और इसका जो एंट्री जो मेले का टाइमिंग रखी गई है 9 बजे से 4 बजे तक के रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। और इसमें क्या है कि इस मेले में जो औद्योगिक नामी औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो भाग लेंगी और इसके लेंगी तकनी इसमें जो पद भरे जाएंगे तकनीकी और अति कुशल आईटीआई डिप्लोमा स्नातक स्नातकोर व अकुशल कारगरों के पद भरे जाएंगे। इसमें 1500 से लेकर 2000 पदों के ऊपर ये अपॉइंटमेंट होगी। और जो भी अभ्यर्थी चयनित होंगे उनको फी टाइम कॉल लेटर वगैरह दे दिया जाएगा। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो जो मेले में भाग लेना चाहते हैं वो कृपया करके अपने शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिज्यूम सहित मेला सहित आयोजन स्थल पर पहुँच कर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ये जो नंबर दिया गया है नीचे इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी रहने वाली है 5th-12th आईटीआई पास डिप्लोमा होल्डर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। दोस्तों ये थी आज की हमारे पास जॉब्स की अपडेट। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को शेयर करें, साथ में वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।